Hello kiddos, welcome to my channel Hindi CBC Classroom. Today we are going to learn Class 3, Chapter 2, Shaky Baz Makhi. Braggart Housefly. Braggart is a person who talks a lot about their achievement or possessions. So let's start. Ek tha jungle. There was a forest. Us jungle mein ek sher bhojan karke आराम कर रहा था. इन दैट फॉरेस्ट वन लायन वॉज टेकिंग ए नैप आफ्टर हैविंग हिज मील. इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची. सडनली वन हाउस फ्लाई केम फ्लाइंग देयर. शेर ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था. लायन हैडन्ट टुक बाथ सिंस टू डेज. इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन 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 करने लगी. दैट्स वाई द फ्लाई स्टार्टेड बजिंग अराउंड द लायंस ईयर. शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी. लायन हैड गॉट स्लीप आफ्टर सो मच एफर्ट्स. उसने पंजा उठाया. ही रेज्ड हिज क्लॉ. मक्खी उड़ गई. द फ्लाई फ्लू अवे. लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई. बट अगेन इट स्टार्टेड बजिंग अराउंड लायंस ईयर्स. अब शेर को गुस्सा आया. नाउ लायन गॉट एंग्री. वह दहाड़ा. अरे मक्खी दूर हट. ही रोर्ड. ओ हाउस फ्लाई गेट अवे वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा. और एल्स आई विल किल यू. मक्खी ने धीरे से कहा. छी छी जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है. हाउसफ्लाई स्पोक इन ए लो टोन. यक यक दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज डजंट सूट द किंग ऑफ फॉरेस्ट. शेर का गुस्सा बढ़ गया. इट रेज्ड लायंस एंगर. उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है. फर्स्ट यू डिडंट लेट मी स्लीप नाउ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दिस. चुप हो जा वरना अभी. शट अप और एल्स नाउ. मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे. मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी. द फ्लाई सेड और एल्स व्हाट विल यू डू. एम आई स्केयर्ड ऑफ यू. हिम्मत हो तो आ जाओ. मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ. हिम्मत हो तो आ जाओ. आई कैन इवन फाइट विथ यू इफ यू हैव द डेयर देन कम. शेर आग बबूला हो उठा. उसने कान के पास पंजा मारा. द लायन लॉस्ट हिज टेम्पर. ही हिट विथ हिज क्लॉज नियर हिज ईयर्स. मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया. द फ्लाई फ्लू अवे बट हिज स्किन गॉट अ लिल पील्ड ऑफ. मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा. The house fly flew and sat on lion's nose. The lion hit again, but the fly flew away again. मक्खी उड़ गई. अब की बार शेर की नाक छिल गई. And this time, the nose got peeled off. मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर. The fly sometimes sat on the forehead, sometimes on the cheeks. And sometimes on the neck. शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता. मक्खी तो फट से उड़ जाती. Lion kept on hitting himself and he continued to hurt himself and the fly kept on flying. अंत में शेर उब गया, थक गया. वह बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो. मैं हारा और तुम जीती बस. At last, The lion got bored and tired. He said,
ओ सिस्टर फ्लाई, नाउ लीव मी, आई लॉस्ट एंड यू वन, इनफ। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। द फ्लाई विद अ लॉट ऑफ प्राइड फ्लू अवे। सामने एक हाथी मिला। शी सॉ एन एलिफेंट ऑन द वे। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। शी सेड, ओ एलिफेंट, बो डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव डिफीटेड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। सो फ्रॉम नाउ ऑन दिस फॉरेस्ट विल रन अकॉर्डिंग टू माई विल। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। एलिफेंट थॉट, हु वुड वेस्ट हिज टाइम टॉकिंग विद दिस साइको फ्लाई। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। एंड सो द एलिफेंट रेज्ड हिज ट्रंक बिफोर द फ्लाई एंड वॉक्ड अवे। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। A fox saw all these and started smiling. लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। The fox started smiling. इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। The fly told fox, ओ fox, come on, bow down in front of me. I have defeated the king of the forest, lion, and the giant elephant. लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोला, Fox bowed down and said, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, long live queen fly, long live. धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। May good happen to your life and may good happen to your parents. लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना? But queen fly, can you see a spider there? वह आपको गाली दे रही थी। It was saying bad things about you. उसकी जरा खबर लो ना। Just take care of her. यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। After hearing this, the fly lost her temper. मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। The fly said, I can finish the spider by snapping my fingers. ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। The fly flew towards the spider. And got stuck in the spider web. मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। No matter how hard she tried to get out of it, she couldn't come out. अंत में वह थक गई और हार गई। At last, she got tired and lost it. यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। Seeing this, the fox smiled and walked away. This story is written by Yogesh Joshi. Thank you. Kindly subscribe to my channel.